नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। रेलवे माल गोदाम रोड के नजदीक दूध बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आगजनी की सूचना मिलते ही आसपास के लोग पहुंच गए। वे घटना की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। मौके पर तुहाना भुना जाकर फायर ब्रिगेड गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। फिलहाल इस घटना में कितना नुकसान हुआ है इसका पता नहीं लगा है। फैक्ट्री मालिक के मुताबिक फैक्ट्री में पिछले कुछ माह से काम बंद था, लेकिन इसे 1 तारीख से ही ठेके पर दिया गया है, जिसका 2 दिन बाद ही यहां पर काम शुरू होना था। आग लगने के कारण अभी कोई स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। जांच में पाया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण ही इसमें आग लगी है। फैक्ट्री के अंदर पड़ी मशीनरी व भारी मात्रा में सामग्री जल कर राख हो गई है। फैक्ट्री मालिक आशीष बंसल ने बताया कि फैक्ट्री के अंदर दूध की पैकिंग इत्यादि का सामान, मशीनरी व अन्य भारी मात्रा में सामग्री को भारी नुकसान पहुंचा है। फिलहाल यह नुकसान कितना है इसका आकलन नहीं हो पाया है। हालांकि आग लगने के कारण का भी अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण ही आग लगी है। फिलहाल आग लगने के कारण का पता लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि आग लगने पर मंडी के जितने लोग यहाँ पर पहुँचे हैं वह उनके आभारी हैं। वहीं फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर आकर काबू पाया, जिससे उन्हें कुछ राहत मिली है। और इसी के साथ देखते रहिए पल पल की एक खास खबर।